हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रेप आप सभी का प्रेप पे स्वागत है फ्रेंड्स दिस इज लेक्चर नंबर ट्वेंटी फाइव ऑफ आवर क्रेश कोर्स प्रोग्राम एंड आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट एंड सबोर्डिनेट कोर्ट्स अब देखो सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ आपकी क्वेरीज आ रही हैं कमेंट सेक्शन में पहला तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर ये प्रोग्राम सफिशियंट है क्या तो देखिए और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इतना कंटेंट सफिशियंट है बट इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर करना पड़ेगा आपको टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी और आपको मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा ओके okay, तो केवल इस रेश कोर्स प्रोग्राम से ही सिलेक्शन नहीं होगा आपको करंट अफेयर भी करना है आपको टेस्ट सीरीज भी करनी है और आपको रिवीजन भी करना होगा करंट अफेयर हम लोग करवा रहे हैं अप्रैल मंथ में सब्जेक्ट वाइज मैराथन सेशन लेके आएंगे आप उसको कर सकते हैं तो वो चीज़ सफिशियंट होगी करंट अफेयर के लिए टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी हमने लॉन्च किया हुआ है ये एक पेड प्रोग्राम है ये फ्री प्रोग्राम नहीं है आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक्स मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड देखिए रिविजन तो आपको करना ही पड़ेगा ओके okay? और ये जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है इट इज कम्प्लीटली अलाइंस विद अवर फ्री कैश कोर्स प्रोग्राम एंड कुछ लोग पूछते हैं सर मेंस के लिए भी सफिशियंट रहेगा तो भाई नहीं मेंस के लिए सफिशेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेन फोकस कॉन्सेप्ट प्लस इन्फॉर्मेशन पे होता है जबकि मेंस में एनालिसिस आपको करना पड़ता है तो वो हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं ओके okay? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी और देखिए अगर आपको ये सेशन ये वीडियोस पसंद आते हैं ये कोर्स पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए फॉरवर्ड कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप आई को सब्सक्राइब करना न भूलें अब देखो ये जो टॉपिक है हाई कोर्ट एंड सबोर्डिनेट कोर्ट्स तो एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पहली बात दूसरी बात हाई कोर्ट में काफी कुछ चीजें आपको सिमिलर दिखेंगी सुप्रीम कोर्ट वाली तो आपका टाइम बचेगा बट ये जो एरिया है सबोर्डिनेट कोर्ट यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस पर आप ज्यादा फोकस करिएगा ओके okay, तो ये मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया है अबाउट दिस टॉपिक अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन सो लेट्स स्टार्ट देखिए हाई कोर्ट हमने देखा कि इन इंडिया वी हैव इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी तो सबसे टॉप में कौन है सबसे टॉप में सुप्रीम कोर्ट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन देन हाई कोर्ट है उसके बाद सबोर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं सबोर्डिनेट कोर्ट्स तो इस सेशन में हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट्स की बेसिकली पार्ट नंबर सिक्स आर्टिकल नंबर टू फोर्टीन टू आर्टिकल नंबर टू थर्टी वन ओके अगर हम स्टेट जुडिशरी की बात करते हैं तो सबसे टॉप में हाई कोर्ट मिलेंगे और उसके नीचे हायरकी ऑफ सबोर्डिनेट कोर्ट हमें मिलती है so तो दिस इज अबाउट स्टेट जुडिशरी तो स्टेट में हाई कोर्ट की टॉप पोजीशन होती है इन द जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन ओके टॉप पोजीशन इन द जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि हर स्टेट के लिए हाई कोर्ट होना चाहिए बट इसमें चेंज किया गया सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन फिफ्टी सिक्स उसमें यह कहा गया कि पार्लियामेंट जो है कॉमन हाईकोर्ट स्टेब्लिश कर सकती है फॉर टू और मोर स्टेट और फॉर टू और मोर स्टेट यूनियन टेरिटरी तो यह पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो कॉमन हाईकोर्ट स्टैब्लिश कर सकती है ओके अब देखो जो हाईकोर्ट का जोरिडिक्शन होगा ठीक तो है वो कोर्ट टर्मिनस होगा विद द टेरिटरी ऑफ स्टेट तो जैसे राजस्थान हाईकोर्ट है तो राजस्थान की जो टेरिटरी है उसके साथ को टर्मिनस होगा अगर मान लो कोई कॉमन हाई कोर्ट है तो को टर्मिनस विद टेरिटरीज ऑफ कंसर्न स्टेट्स और यूटी तो यह चीज आपको ध्यान रखनी होगी इसके अलावा पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द जुरी ऑफ हाई कोर्ट टू एनी यूटी ये हमने देखा था जब हमने यूटी की बात की थी तो पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकती है और एक्सक्लूड भी कर सकती है डिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम एनी यू टी तो ये सब पावर्स पार्लियामेंट के पास होती है और इनपे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनपे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब देखो कंपोजिशन देख लेते हैं एवरी हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस एज प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम टीम ने टू अपॉइंट अब देखो कंपेयर करो सुप्रीम कोर्ट में क्या था क्या प्रेसिडेंट थे क्या ये आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में ठीक है तो आपको भी पता चलेगा कितना आपने रिवाइज किया है और इन्हीं सब चीजों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहे हैं ओके इन केस ऑफ हाई कोर्ट अब आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस देखो अपॉइंटमेंट कौन करेंगे नॉट गवर्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ये चीज ध्यान रखना ये मत सोचना कि भाई स्टेट है तो यहाँ पे गवर्नर आ जाएंगे नहीं प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जजेज ऑफ हाई कोर्ट को ओके okay? एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजे आई एंड गवर्नर ऑफ स्टेट कंसर्न तो अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं आपने सीजेआई से पूछा और आपने गवर्नर से पूछा अगर दूसरे जजेस को अपॉइंट करना है तो उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से भी आप कंसल्ट करोगे ओके अगर कॉमन हाईकोर्ट है तो महा के गवर्नर से कंसल्ट करोगे तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है बट होता क्या है कॉलेजियम सिस्टम ठीक है तो थर्ड जजेस केस 90 1998 इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई कॉलेजियम होगा तो सीजीआई शुड कंसल्ट विद कॉलेजियम ऑफ टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो ये डिसाइड करेंगे ये डिसाइड करेंगे कि किसका अपॉइंटमेंट होगा जज ऑफ हाई कोर्ट ठीक है सीजीआई एंड टू सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओके मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कल कि सीनियर मोस्ट कैसे डिसाइड करोगे पर किसने रिप्लाई दिया नहीं थोड़ा सर्च कीजिए आंसर बताइए ओके okay? आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं क्वालिफिकेशन तो अगर किसी पर्सन को आप सुप्रीम कोर्ट सॉरी हाई कोर्ट आप जज बना रहे हो तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए नंबर वन सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए ओके okay? ये वहां पे भी कॉमन था दूसरी बात ही शुड हैव हेल्ड अ जुडिशल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर टेन ईयर्स या तो ये हो या फिर और एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर टेन ईयर्स तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए अब इसको कंपेयर करो विद सुप्रीम कोर्ट वहां पे एक एडिशनल कंडीशन और थी टूरिस्ट वो यहाँ पे नहीं है ओके तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है और देखिए अगेन कोई मिनिमम एज यहाँ पे नहीं प्रिस्क्राइब की है कि आपकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए अब देखिए ओथ आपको लेनी पड़ेगी तो ओथ कौन आपको एडमिनिस्टर करवाएंगे गवर्नर ऑफ स्टेट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पज वहां पे क्या था प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम तो अगेन ये एक चेंज होगा जो आपको याद रखना होगा गवर्नर एंड प्रेसिडेंट बाकी ओथ क्या होती है टू बैर ट्रू फेथ एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड द दिटी इंटीग्रिटी एंड बिना किसी फियर के बिना किसी फेवर के अफेक्शन के आपको अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करनी है एंड टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज तो इस तरह की ओथ जो है वो ली जाती है बाय जजेज ऑफ हाई कोर्ट जहां तक इनकी सैलरी एंड अलाउेंसेज की बात है तो पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है देखो पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है ओके सैलरीज अलावेंसेज प्रिवलेज लीव पेंशन ऑफ जजेस नॉट स्टेट असेंबली। इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओके okay? इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आप उसको वेरी नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी ओके अब बात करते हैं जजेस तो सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट कोई फिक्स टेन नहीं है मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं की गई है बट होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेंड्स द एज ऑफ इयर्स वहां पे क्या था सिक्सटी फाइव यहाँ पे क्या सिक्सटी टू ईयर्स ओके सिक्सटी टू ईयर्स एंड एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हिज एज कौन डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विदीआई और ये जो इनका डिसीजन होगा प्रेसिडेंट का वो फाइनल होगा ठीक okay? है रिजाइन भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट रिमूव भी कर सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट ओके और आप ऑफिस वैकेट भी कर सकते हो अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए या आपका ट्रांसफर हो गया सुप्रीम कोर्ट के तो ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है बट हाई कोर्ट में तो ट्रांसफर भी हो सकता है तो वैन ही प्रोविजंस हैं अब देखो रिमूवल की जहां तक बात है तो जो प्रोसेस हमने देखा था फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस एग्जैक्टली सेम प्रोसेस यहां पे फॉलो करना है ठीक है तो अ जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो देखो यहां पे गवर्नर आपको रिमूव नहीं करेंगे यहां पे प्रेसिडेंट ही करते हैं ठीक है तो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है ओके अब बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ जज देखिए इतने सारे हाईकोर्ट है तो आप जजेस को ट्रांसफर कर सकते हो अब देखो यहां पे कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस एक्सेप्शनल मेजर है आप किसी जज को पनिश नहीं कर सकते हो है ना एंड इट कैन बी ओनली इन पब्लिक इंटरेस्ट बिकॉज इंडिपेंडेंस आपको सिक्योर करनी है ओके तो ओनली इन पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेप्शनल मेजर नॉट बाय वे ऑफ पनिशमेंट ओके एंड इसमें जुडिशियल रिव्यू इज नेसेसरी टू चेक आरबी इन ट्रांसफर ऑफ जजेस एंड ओनली द जज इज़ हुन चैलेंज इट तो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है ओके तो ट्रांसफर कौन करता है प्रेसिडेंट करेंगे आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब देखो यहाँ पे क्या सिस्टम वर्क करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड कंसल्ट और सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ टू हाई कोर्ट जहां से ट्रांसफर हो रहा है और जिस स्टेट में ट्रांसफर हो रहा है तो इनसे आपको कंसल्ट करना पड़ेगा दिस इज थर्ड जज केस 1998 नाइनटी एट ओके आगे बढ़ते हैं अब देखो एक्टिंग चीफ जस्टिस मान लो जो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट वो ऑफिस वैकेंट है या एबसेंट है या वो ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं बीमार हैं तो भाई प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट एज एक्टिंग चीफ जस्टिस तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास है सीजीआई के पास नहीं है ये पावर प्रेसिडेंट के पास होगी ओके देन एडिशनल जजेस तो भाई ये भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन फॉर अ टेम्पररी पीरियड नॉट एक्सीड टू ईयर्स तो मैक्सिमम दो साल के लिए आपको एडिशनल जज बनाया जा सकता है ठीक है तो ये टेम्पररी पीरियड के लिए होता है इस सिचुएशन में मान लो हाई कोर्ट का बिजनेस जो लोड है वो बढ़ गया है ओके तो आपको एडिशनल जजेस चाहिए तो ऐसा किया जा सकता है ऐसा किया जा सकता है अब आती है एक्टिंग जजेस देखो भाई अगेन प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं एक्टिंग जज ऑफ कोर्ट वेन ए जज ऑफ दैट हाईकोर्ट इजल टू परफॉर्म ड्यूटी या तो एबसेंट है याज चीफ जस्टिस ठीक है तो एक्टिंग जजेस आप अपॉइंट कर सकते हो ड्यूली क्वालिफाइड होना चाहिए एंड देखो दिस इज अदर देन चीफ जस्टिस क्योंकि उसमें तो क्या हो जाएगा एक्टिंग सीधे हो जाते हैं ठीक है क्लियर है एंड ही होल्ड ऑफिस अंटिल द परमानेंट जज रिज्यूम हिज ऑफिस क्योंकि एबसेंट इसलिए आपने बनाया जब वो आ गए तो इनका क्या काम ओके okay. अगला आता है रिटायर्ड जजेस देखो ये सब फैक्ट है याद करने पड़ेंगे आपको है ना तो देखिए रिटायर्ड जजेस में क्या होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट कैन रिक्वेस्ट रिटायर्ड जज ऑफ दैट हाईकोर्ट और एनी अदर हाईकोर्ट टू एक्ट एज जज ऑफ हाईकोर्ट फॉर ए टेंरी पीरियड ठीक है टेम्प्री पीरियड के लिए रिटायर्ड जज ऑफ दैट हाई कोर्ट और एनी अदर हाई कोर्ट उसको आप रिक्वेस्ट कर सकते हो ठीक है आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कौन करेगा रिक्वेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ठीक है बट प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए एंड जिस पर्सन को आप अपॉइंट कर रहे हो उसका भी कंसेंट आपको चाहिए होगा उसी केस में आप जो है अपॉइंट कर सकते हो ठीक है बट फॉर टेम्पररी पीरियड तो ये होता है रिटायर्ड जज एक्चुअली आई थिंक ट्वेंटी टू या ट्वेंटी वन में क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है इसलिए इंपॉर्टेंट है आप इनको मिस नहीं कर सकते हो अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट की भाई जो हाई कोर्ट है सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट हमने देखा था कि इंडिपेंडेंस होना जरूरी है ताकि बिना किसी फीयर के बिना किसी फेवर के आप इफेक्टिवली अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर सको तो इसीलिए इंडिपेंडेंस होना जरूरी है और किस तरह से सिक्योर किया जाता है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट तो जो एग्जीक्यूटिव हैं उनका रोल मिनिमम रहेगा उनका इंटरफेरेंस मिनिमम रहेगा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देखिए प्रेसिडेंट आपको अपॉइंट कर रहे हैं बट वो आपको अपनी इच्छा से हटा नहीं सकते हैं

एफ आई ये चीज ध्यान रखना तो पॉइंट क्या है कि जो भी एक्सपेंशन एक्सपेंसेस हो, होंगे सैलरी अलावेंस वगैरह दे आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट बट जो पेंशन है कोर्ट जज की वो किस पे चार्ज होती है सी एफ आई पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है और इसमें और इसमें आपको थोड़ा सा क्लियर होना पड़ेगा इसमें आपको क्लियर होना पड़ेगा ओके okay? अगला प्रोविजन क्या है डक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट भी डिस्कस जो असेंबली है आप उसमें डिस्कस नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट ऑन देयर रिमूवल मोशन है ना उस पर डिस्कस कर सकते हो देन बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट देखिए जो परमानेंट जज होंगे हाईकोर्ट दे आर प्रोहिबिटेड वो किसी कोर्ट के सामने किसी ऑथोरिटी के सामने आफ्टर रिटायरमेंट प्लीड नहीं कर सकते हैं बट यहाँ पे एक्सेप्शन है आप किसी दूसरे हाई कोर्ट में कर सकते हो आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो है ना तो ये एक्सेप्शन है जो आपको याद होना चाहिए देन कंटेम की पावर होगी पनिश कर सकते हो आप ओके okay? अपना स्टाफ आप अपॉइंट कर सकते हो एंड जो आपका जुडिक्शन है जो पावर्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं वो कटेल नहीं हो सकती हैं बट जो अदर पावर्स तो पार्लियामेंट स्टेट असेंबली उनको चेंज कर सकती है यह चीज ध्यान रखना ओके तो जुडिडिक्शन एज कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी कटेल वो कटेल नहीं होगा बट जो अदर पावर्स है वो आप चेंज कर सकते हो मॉडिफाई कर सकते हो ओके देन सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव अब देखो बात करते हैं जुडिडिक्शन ऑफ हाईकोर्ट पावर्स ऑफ हाईकोर्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा जो हमने वहां देखा था ओरिजिनल जुडिडिक्शन होगा रिट होगा टू ट्वेंटी सिक्स अपीलेट होगा सुपरवाइजरी देन कंट्रोल ओवर सबोर्डिनेट कोर्ट्स अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू इन सबको देख लेते हैं देखिए इतना डीप में नहीं पढ़ना है ये वाला टॉपिक है ना इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो हम भी बेसिक आइडिया लेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिनल जुडिडिक्शन की देखो जो हाई कोर्ट है क्या क्या इनके पास काम होता है देखो विद इन द स्टेट हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है इंटरप्रिटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो काफी कुछ काम करना होता है ठीक है तो यही सब हम देखेंगे कि क्या पावर्स हैं, क्या रिडिक्शन होता है ठीक है तो देखिए ये मत सोचना कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है वो फाइनल अथॉरिटी है बट हाई कोर्ट भी कर सकते हैं है ना अब बात करते हैं ओरिजिनल की देखिए मैटर्स ऑफ एडमिटी तो ये क्या होता है जो मेरी मैटर्स होते हैं उनको डील करना कंटेम्ट ऑफ कोर्ट देन इलेक्शन ऑफ एम पी एम एल ए रेवेन्यू मैटर्स इंफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन ये भी ओरिजिनल है ठीक है टू ट्वेंटी सिक्स देन इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केसेज ऑर्डर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सबोर्डिनेट कोर्ट इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो यह सब होता है ओरिजिनल जुडिशन याद करने की जरूरत नहीं है कोई आपसे पूछेगा नहीं ठीक है इसके अलावा होता है रिट जुडिडिक्शन अंडर टू ट्वेंटी सिक्स और देखिए रिट जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये बेसिक स्ट्रक्चर है और हम डिस्कस कर चुके हैं देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है केवल फंडामेंटल राइट्स के, के केस में ही रिट इश्यू कर सकता है जबकि जो हाई कोर्ट है वो फॉर any other purpose plus fundamental rights तो so, अगर कोई लीगल राइट भी आपका वायलेट होता है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो बट आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो यह चीज ध्यान रखना ओके सो दिस इज रिट जुडिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ओके एंड जो सुप्रीम कोर्ट के हो हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसके अलावा अपीलेट जुडिडिक्शन होगा देखिए सिविल मैटर्स में क्रिमिनल मैटर्स में आप अपील कर सकते हो इनकी डिटेल जानने की कोई जरूरत नहीं है कोई आपसे नहीं पूछने वाला है ओके अब आता है सुपरवाइजरी प्रिडिक्शन देखिए स्टेट में टॉप पे कौन है हाई कोर्ट है और उसके बाद आते हैं सबोर्डिनेट कोर्ट तो हाई कोर्ट हैज द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स फंक्शनिंग इन द टेरिटोरियल जुडिशन ऑफ देट हाई कोर्ट एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट तो इनके पास सुपरविजन की पावर होती है सुपर की पावर होती है एंड देखिए सुटो भी आप इस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हो सुवो मोटोमीन्स खुद से आप खुद से संज्ञान ले सकते हो हिंदी में क्या बोलते हैं संज्ञान ऑग्रीजेंस आप ले सकते हो है ना सुमीन्स खुद से आप ले सकते हो कंट्रोल ओवर सबोर्डिनेट कोर्ट जो कोर्ट्स हैं आपके अंडर में वो आपके कंट्रोल में रहेंगे ठीक हैवर्नर इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट पोस्टिंग प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन टू द जुडिशल सर्विस तो हाईकोर्ट से कंसल्ट so, किया जाता है Then, जो डिसिप्लिनरी मैटर्स होते हैं उनके साथ भी कौन डील करेगा हाई कोर्ट डील करते हैं जो भी आपका जजमेंट आएगा जो लॉ आएगा वो बाइंडिंग होगा सभी सबोर्डिनेट कोर्ट्स पे ओके okay? तो इस तरह से जो हाई कोर्ट है वो सबोर्डिनेट कोर्ट के ऊपर कंट्रोल स्टेब्लिश करता है ओके okay? आगे बढ़ते हैं अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है भाई हमने देखा था कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का हाई स्टेटस होता है तो जो भी आपके जजमेंट्स हैं जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है और इसीलिए इसीलिए कंटेम्प्ट की पावर भी आपको मिलती है पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अब देखो हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है मुझे बताओ कौन सा आर्टिकल था तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स को रिव्यू कर सकते हैं बट ऐसा हाई कोर्ट के केस में नहीं है कोई आर्टिकल नहीं है बट बिकॉज़ बट बिकॉज़ हाई कोर्ट भी एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है तो ऐसा होने से आपको पावर मिलती है कि आप अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकते हो उनको करेक्ट भी कर सकते हो बिकॉज़ जो भी आपके जजमेंट्स होंगे वो लीगल प्रेसिडेंट होंगे ओके okay? तो इसलिए बिकॉज़ यू आर अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आपको पावर टू रिव्यू एंड करेक्ट योर जजमेंट वो मिलेगी बट कोई अलग से प्रोविजन नहीं है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज ध्यान रखना और ये आर्टिकल कौन सा ये आप मुझे बताइए ओके okay? ये आपको मुझे बताना पड़ेगा ओके okay? अब आता है पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू देखिए काफी लोगों को डाउट होता है कि सर जो ये पावर है जुडिशल रिव्यू की ये केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है क्या? नहीं ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के पास होती है दोनों ही कर सकते हैं ठीक है टेके? तो टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्टिव इनेक्टमेंट, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तो दोनों के लिए पावर होती है सुप्रीम कोर्ट कोर्ट के पास तो कंफ्यूज मत होना बिकॉज वी हैव इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी ठीक है तो ये जो सिंगल सिस्टम है यह इन्फोर्स करता है सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लॉज को ठीक है इसलिए दोनों के पास पावर होती है जुडिशल रिव्यू की ओके आगे बढ़ते हैं आर्टिकल आर्टिकल पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू ऑन ए कोर्ट ठीक है तो ये हमें ऑलरेडी पता है अब बात करते हैं सबोर्डिनेट कोर्ट की तो भाई इन अ स्टेट क्या होता है सबसे टॉप में तो कोर्ट है उसके नीचे सबोर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं ठीक है अब इनको क्यों कहा जाता है बिकॉज ऑफ द सबोर्डिनेशन टू द स्टेट हाईकोर्ट हमने देखा था कि सुपरविजन होगा कंट्रोल होगा ठीक है दे फंक्शन बिलो एंड अंडर द हाईकोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड लोअर लेवल इसलिए इनको कहा जाता है सबोर्डिनेट कोर्ट्स अब देखिए व्हाट आर द प्रोविजंस पार्ट सिक्स आर्टिकल नंबर टू थर्टी थ्री से लेके टू थर्टी ये देखने को ये देखने चाहिए आपको तो सबसे पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस तो गवर्नर करेंगे इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट ये पॉइंट आपको याद करने हैं ठीक है डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट पोस्टिंग प्रमोशन गवर्नर करते हैं इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट इसके अलावा ही शुड नॉट ऑलरेडी बी इन सर्विस ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ये बेसिकली क्वालिफिकेशन है डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए Second, क्या है आपको करना पड़ेगा हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट थोड़ी अजीब सी कंडीशन है बट ठीक है ये आपको याद होनी चाहिए ठीक है सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दीज आर द तो फुलफिल करनी होती है ठीक है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्टिजन अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डीजे डिस्ट्रिक्ट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हाईकोर्ट तो यहां पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी आ गया जजेज अदर देन डिस्ट्रिक्ट क्लियर है आगे बढ़ते हैं अब आता है कंट्रोल ओवर सबोर्डिनेट कोर्ट किसका होगा बेसिकली जो हाई कोर्ट है उसका होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबोर्डिनेट कोर्ट ठीक है तो इनपे कंट्रोल किसका होता है हाई कोर्ट का होता है ओके आगे बढ़ते हैं तो ये हैरार की आप देख सकते हो विद इन स्टेट कोर्ट सबसे ऊपर होगा डिस्ट्रिक्ट जज होगा सेशन जज का कोर्ट होगा ठीक है सिविल साइड क्रिमिनल साइड उसके अंडर में पूरी एक हायरकी होती है यह कोई आपसे पूछने वाला वैसे है नहीं है ना आगे बढ़ता है अब बात करते हैं नेशनल लीगल सर्विस ऑथोरिटी की देखिए आर्टिकल थर्टी नाइन ए क्या कहता है फ्री लीगल एड टू पुअर एंड वीकर सेक्शन ताकि एक्सेस टू जस्टिस सबको मिले ये क्या है डीपीएसपी डीपीएसपी तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए भाई इसको इंप्लीमेंट करने के लिए 1987 में पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया लीगल सर्विस ऑथोरिटी एक्ट ठीक है और 95 में ये फोर्स में आता है ऑब्जेक्टिव क्या है टू स्टेब्लिश अ नेशन वाइड यूनिफॉर्म नेटवर्क प्रोवाइडिंग प्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तो वही फ्री लीगल एड ताकि सबको जस्टिस मिल सके और फिर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी इसको इस्टेब्लिश किया जाता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेसिकली जो लीगल एड प्रोग्राम्स हैं उनको मॉनिटर करना उनके इंप्लीमेंटेशन को इवेल्युएट करना एंड क्या पॉलिसीज क्या प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने हैं वो सब कौन बताता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जिसको बोलते हैं नालसा, ओके? इसके साथ साथ देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी आपको मिलेंगी लीगल सर्विस अथॉरिटी ठीक है हाई कोर्ट में मिलेंगी स्टेट में मिलेंगी डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगी तालुका में मिलेंगी तो इस तरह से पूरी हरकी आपको देखने को एक मिलती है ओके अब देखो इनका फंक्शन क्या होता है बेसिकली टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू एलिजिबल टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत टू ऑर्गेनाइज लीगल अवेयरनेस कैंप ताकि लोगों को पता चले कि क्या क्या सुविधाएं पास हैं क्या क्या फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एक अवेयरनेस क्रिएट हो है ना और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है लोक अदालत इसको पढ़ लेते हैं इस पर क्वेश्चन आते हैं देखिए अगर हम बात करें जुडिशरी की तो बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं ठीक है एंड बहुत टाइम लग जाता है एक केस को निपटाने में और छोटे छोटे केसेस काफ़ी लंबे समय तक पेंडिंग रह जाते हैं और काफी एक्सपेंसिव भी होता है पूरा प्रोसेस एंड जो प्रोसीजर है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है काफी कॉम्प्लेक्स होता है तो जो कॉमन मैन है उसके लिए इतना आसान नहीं है तो व्हाट इज द सॉल्यूशन द सॉल्यूशन इज लोक अदालत तो देखिए ऐसे केसेस जो कि अभी प्री लिटिगेशन स्टेज में मींस अभी कोर्ट में नहीं पहुंचे तो कर सकते हो कहां पे लोक अदालत में और यहां पे क्या होगा बेसिकली कॉम्प्रोमाइज होगा सेटलमेंट वगैरह होता है ठीक है तो समझौते से यहां पे को निपटा दिया जाता है ओके तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली आपको जस्टिस मिले इन एक्सपेंसिव एंड काफी जल्दी स्पीडी जस्टिस आपको मिले तो ये ऑब्जेक्टिव होता है लोक अदालत का ठीक है एंड इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यहां पे नेगोशिएशन कौनसिलियन इनको यूज किया जाता है आपको परसुएट किया जाएगा आपको समझाया जाएगा और फिर आपस में समझौता करवा देंगे ठीक है और ये कौन कर, करवाता है एक्सपीरियंस कौंसिलेटर्स होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं ओके क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो कि समझौते से ही आ, जो है आपका काम हो जाता है तो क्यों इतना लंबा प्रोसेस अपनाइए कोर्ट के पास जाइए कोर्ट के बाहर ही सेटल कर लो ठीक है इसको दिया गया था स्टेचुटरी स्टेटस इन 1987 ये क्वेश्चन आता है 1987, स्टेटस दिया गया अब देखो ये जो लोक अदालत है तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट में जो अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट कमेटी हाई कोर्ट कमेटी तालुका कमेटी इनका क्या काम होता है बेसिकली लोक अदालत को कंडक्ट करना ठीक है, है ये जो अथॉरिटीज़ हैं कमिटीज हैं ये कंडक्ट करती हैं लोक अदालत को अब इसका कंपोजिशन क्या होता है जनरली एक जुडिशियल ऑफिसर होगा जो कि चेयरमैन होता है एक लॉयर होगा एक सोशल वर्कर होंगे एज मेंबर्स तो ये लोक अदालत में जनरली ये मेंबर्स होते हैं ठीक है अब देखो लोक अदालत शेल है जुडिडिक्शन टू डिटरमाइन एंड टू अराइव एट ए कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट बिटवीन पार्टीज तो दो केसेस हैं नंबर वन अगर कोई केस पेंडिंग है बिफोर एनी कोर्ट और अगर वो अभी तक अभी तक कोर्ट के पास नहीं गया है ठीक है एनी मैटर विच इज

आपको क्रिमिनल मैटर लेके चले गए है ना मालूम किसी ने किसी को मार दिया ठीक है और वो आप लेके जा रहे हो कहाँ पे लोक अदालत में तो ऐसा नहीं होगा तो नॉट कंपाउंडेबल अंडर एनी लॉ वो यहां पे नहीं लेके जा सकते ओके अब देखो ये जो लोक अदालत होती है इनके पास सिविल कोर्ट की पावर्स होती है ठीक है इनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है ओके एंड पावर टू स्पेसिफाई इट्स ओन प्रोसीजर ताकि फ्लेक्सिबिलिटी आए और जल्दी से डिसीजन आ जाए तो अपना प्रोसीजर ये खुद स्पेसिफाई कर सकते हैं ओके इनकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं, ओके इन सब पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ठीक है सिविल कोर्ट की पावर होती है इनके पास देन एवरी अवार्ड मेड बाय लोक अदालत शेल बी फाइनल देखो फाइनल अपील नहीं कर सकते हो बिकॉज अपील अगर करोगे तो फिर टाइम लगेगा तो पर्पज क्या रहा तो लोक अदालत का जो अवार्ड होगा वो फाइनल होगा एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज टू द डिस्प्यूट तो ये इंपॉर्टेंट है तो आप इसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते हो ठीक है नो अपील शेल लाइट टू एनी कोर्ट अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ लोक अदालत इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा ओके अब बात आती है परमानेंट लोक अदालत की तो देखिए मान लो कोई मैटर था जो गया कहां पे लोक अदालत में अब वहां पे कोशिश की गई समझौता करने की नेगोशिएशन करने की सेटल करने की तो टाइम लगा इसमें बट कोई नतीजा नहीं निकला तो हुआ क्या डिले हो गया और फिर वो पार्टी कोर्ट में जाएगी वहां फिर डिले होगा तो ये नहीं होना चाहिए तो लोक अदालत के पास ये पावर होनी चाहिए कि अगर समझौता नहीं हो रहा है तो मेरिट के बेसिस पे आप कोर्ट को सॉरी मेरिट के बेसिस पे आप इशू को निपटा दो और इसीलिए परमानेंट लोक अदालत का कॉन्सेप्ट आता है ठीक है तो लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी एक्ट ऑफ 1987 इट वाज अमेंडेड इन 2002 टू प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट लोक अदालत टू डील विद केसेस पर्टेनिंग टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन बिल्स वगैरह हो गए इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गया ओके नॉट कंपाउंडेबल वही चीज हो जाएगी यहाँ पे एंड देखिए एवरी अवार्ड मेड बाय परमानेंट लोक अदालत शेल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ओके वही सेम चीज है तो यहाँ पे देखिए अगर समझौता हो जाए तो अच्छी बात है और नहीं होगा तो मेरिट के बेसिस पे जो परमानेंट लोक अदालत है वो इशू को डिसाइड करेंगी ओके okay? तो यहां पे इनको एक फाइनल पावर दी गई है कि आप खुद से डिसाइड कर लो ओके okay? परमानेंट लोक अदालत अब अगला जो टॉपिक है वो क्या ग्राम न्यायालय भाई ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 ये बात करता है ग्राम न्यायालय की तो भाई देखिए आज भी जो विलेज एरिया है वहां पे इतनी अवेयरनेस नहीं है है ना एंड काफी लंबे समय तक जो केसेस है वो पेंडिंग रह जाते हैं तो ग्रास रूट लेवल पे जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए यह एक्ट लाया गया था और इसमें ग्राम न्यायालय किया गया है प्रोवाइडिंग एक्सेस टू जस्टिस टू द सिटीजंस एट दर डोर स्टेप्स आपके घर के बाहर ही आपको मिल जाएगा जस्टिस ओके ग्राम एक्ट ऑफ 2008 देखिए इसमें क्या होता है इट इज कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ठीक है एंड शेल बी स्टेब्लिश फॉर एवरी पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल ये क्वेश्चन आता है तो इंटरमीडिएट लेवल पे जो पंचायत होगी वहां पे इसको इस्टैब्लिश किया जाएगा और ग्रुप ऑफ कॉन्टिगस पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल आपने मिक्स कर लिया अभी चार पांच को ओके तो यहां पे इनको इस्टैब्लिश किया जाएगा अब देखो ये एक मोबाइल कोर्ट होता है क्रिमिनल और सिविल कोर्ट दोनों की पावर इनके पास होती है तो इनका जो ड्रिडिक्शन है वो ज्यादा है ठीक है इसके बाद समरी प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके तो समरी प्रोसीजर ओके एंड सिविल कोर्ट की पावर्स होंगी यह चीज ध्यान रखना अब देखो यहां पे भी एक एलिमेंट होता है सेटलमेंट का तो शेल ट्राई टू सेटल द डिस्प्यूट एज फार एज पॉसिबल बाय ब्रिंगिंग अबाउट काउंसिलेशन बिटवीन द पार्टी तो कोशिश करो कि समझौते से बातचीत से ही मुद्दा रिजोल्व हो जाए ठीक है अब देखो इनका जो जजमेंट होगा ना वो बेसिकली एक डिग्री माना जाएगा एंड समरी प्रोसीजर आप फॉलो करोगे यू आर नॉट बाउंड बाय रूल्स ऑफ एविडेंस एंड यू आर गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये सब फैक्ट्स हैं जो याद करने पड़ेंगे There is no other alternative. Okay? और इन पर क्वेश्चन है criminal cases, आप कोर्ट में अपील कर सकते हो बट उसको सिक्स मंथ में जो है डिस्पोज करना पड़ेगा जो सिविल केसेस होंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप अपील करो और वहां पे भी सिक्स मंथ में आपको डिस्पोज करना पड़ेगा तो ताकि स्पीडी एक्सेस स्पीडी जस्टिस आपको मिल जाए ओके दिस इज ग्राम न्यायालय ओके और इसी के साथ जो हमारा आज का सेशन है ये एंड होता है काफी कुछ फैक्चुअल चीजें हैं मीन्स नाइनटी परसेंट फैक्चुअली था आज तो बट क्या करें क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं याद करना पड़ेगा तो याद करिए एंड इफ यू वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट अस तो यहां पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो ओके एंड अगर आपको सेशन पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए सो ऑल द बेस्ट गुड बाय एंड जय हिंद